तो खाने का शौकीन तो मैं हमेशा से रहा हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको नए नए जायकों से रूबरू कराता हूँ। और जायकों की बात करें तो स्ट्रीट फूड सभी को पसंद है, लेकिन वहाँ पे हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन अभी पराशा में एक ऐसा शॉप खुला है जो कि हाइजीनिक भी है और टेस्टी तो है ही। तो चलिए चलते हैं हम रंगजी स्वीट्स में। तो रंगजी स्वीट्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो परासिया में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये कहाँ पर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है यस बैंक परासिया ब्रांच के जस्ट अपोजिट में। चलिए मैं आपको रंगजी के ओनर से मिलाता हूँ। हेलो भैया। हेलो भैया। तो भैया आप अपने इस शॉप रंगजी का हिस्ट्री हमें थोड़ा बताएंगे? हमारे रंगजी का जो एक फ्रेम स्ट्रक्चर है ये सन 2018 से शुरू हुआ था। जो पहली ब्रांच थी हमारे छिंदवाड़ा में गांधीगंज थी, फिर दूसरी सत्कार तरह पे खुली और परासिया शहर में जो एक दुकान है वो सन 2023 में खुली थी 2 अक्टूबर के दिन। टोटल हमारे 5 आउटलेट्स हैं, जो कि छिंदवाड़ा में 3 है, एक परासिया में है और एक टुपरिया में। तो ये आपकी शॉप में कोई नया व्यक्ति आता है जी, तो आप उसे नमकीन रिकमेंड करेंगे या फिर मिठाइयां रिकमेंड करेंगे? देखिए हम लोग की तो ओवरऑल कोशिश रहती है कि हम दोनों मिठाई और नमकीन में सबसे बेस्ट से बेस्ट जो चीज दे सकते हैं वो चीज की तैयारी। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे नया हूँ ऐसा प्रिज्यूम करते हैं अपन, और आप मुझे कौन सा मिठाई रिकमेंड करेंगे? सर हम हमारा काजू हनी आपको रिकमेंड करते हैं, ये हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, ये शहद काजू और मक्खन से बना हुआ है। काजू और हनी दोनों का टेस्ट आ रहा है इसमें, और से मेरे ख्याल से देसी घी यूज किया है जी, बटर का उपयोग बहुत हुआ है। क्लैरिफाइड बटर बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है। तो काजू हनी तो हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। और इसी नोट के साथ हम अगली यहाँ की और एक फेमस स्वीट है उसे हम टेस्ट करेंगे, जो है गुलाब बाटी। बेक गुलाब बाटी भैया, ये छेने की हमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वीट्स है जिसका नाम है गुलाब बाटी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल किया गया है, ड्राई फ्रूट्स की चिपिंग्स भी है, और मेरे ख्याल से अंदर एक बाटी है जिसमें गुलाब का फ्लेवर होगा, उसके साथ साथ रबड़ी है। आइए टेस्ट करते हैं। पहली बाइट में आपको रोज़ का याद आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है रोज़ का। टूटी फ्रूटी भी बहुत टेस्टी है इसमें, और ड्राई फ्रूट्स की जो फ्लेक्स है वो भी अच्छा टेस्ट कर रहे हैं साथ में, और रबड़ी। एक बात बताऊंगा, रबड़ी इसमें मीठी नहीं है, बढ़िया लाइट टेस्ट है, एकदम बढ़िया बेहतरीन। तो गुलाब बाटी जैसे हमने टेस्ट किया तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे काफ़ी सारी छेने की वेराइटीज़ हैं। आपको यहाँ पे मैंगो छेना, संतरा छेना, रोज़ छेना, केसर छेना, छेना छाप, छेना डिलाइट, मतलब काफ़ी सारे हैं। आप कुछ भी जो भी आपको पसंद लगे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। जैसे कि मैं अभी छेने पे, अभी हम लड्डू और पेड़े की तरफ चलते हैं। तो जैसे आप बर्फ़ी भी है, लड्डू भी है, जहाँ मीठे की बात होती है वहाँ नमकीन ज़रूरी होता है, और त्योहारों के सीज़न में मीठा नमकीन दोनों चलता है। तो आप यहाँ नमकीन की वैराइटीज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी है। जो मेरी फेवरेट है यहाँ की वो है खट्टा मीठा नमकीन। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज है, अब सेव वगैरह की भी काफ़ी सारी वैरायटी है। मिक्सचर ज़्यादातर यहाँ के फेमस है, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप अगर यहाँ मिक्सचर लेते हैं तो एक तो खट्टा मीठा मिक्सचर तो ज़रूर लें, और जिनको तीखा पसंद है वहाँ पे तीखा वाला भी अवेलेबल है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू रंगजी स्वीट्स का। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ के नमकीन ट्राई करें, स्वीट्स ट्राई करें, और जो भी आपको यहाँ का एक्सपीरियंस जैसा भी रहा आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आप पहले आ चुके हैं तो भी आप बताइएगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का था आपका। मोस्ट वेलकम टू रंगजी स्वीट्स परासिया। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू।